अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, अब आपका मैथ्स बी पेज नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिस पे आपने पढ़ना है सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। आपने आज सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ना है। सबसेट क्या होते हैं और सुपरसेट क्या होते हैं? जी, सबसे पहले हम सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसेट क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सबसेट क्या होता है? बेसिकली सबसेट में एक छोटा सेट होता है और सुपरसेट जो है वो एक बड़ा सेट होता है। अब सबसेट क्या है? सबसेट कि आपके पास कोई से दो सेट गिवन है, कंसीडर कर लें कि एक सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास बी है। ठीक है, आपके पास कोई से दो सेट गिवन है, सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में होंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में होंगे, इसका मतलब जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है ना, मैं दोबारा बता रही हूं कि आपके पास कोई से दो सेट होंगे, सबसेट छोटा सेट होता है, सुपर सेट बड़ा सेट होता है। आपके पास कोई से दो सेट होंगे, उनमें से जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहां पर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, उसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, ये सिंबल आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से सिंबल बना है और इसके नीचे ये लाइन लगी हुई है, ये सिंबल होता है सबसेट का। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको एक सेट ए नजर आ रहा है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। और सेट बी देख लें, सेट बी में आपके पास पांच एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और आपको नजर आ रहा है कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में हैं। ये लाजमी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और उसमें सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। एक सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने लाजमी हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो इट्स मीन ये जो सेट ए है ये सबसेट है सेट बी का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम पढ़ें तो सेट ए तो सेट बी का सबसेट है, लेकिन अगर आप सेट बी को पढ़ें तो सेट बी जो है सेट बी सुपर सेट है ए का, क्योंकि सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट हैं लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, इसलिए सेट बी जो है वो सुपर सेट है, उसमें ज्यादा पावर है। ठीक है, तो सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का और सेट बी जो है वो सुपर सेट है सेट ए का। ठीक है, तो यहां पर अब आपने इसको लिखना कैसे है? सेट इट कैन बी रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए सबसेट है तो ए सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम बी की साइड से पढ़े तो हम इस तरह पढ़ेंगे, बी सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये बी की तरफ देखेंगे, इसका माउथ जो है ओपन है, तो हम पढ़ेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। और यहां से अगर पढ़ा जाए तो ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ये देखें, रिमेंबर डैट एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी सबसेट ऑफ बी, हर सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सुपरसेट की डेफिनेशन देख लें क्या है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट होगा बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाली एग्जांपल में बताया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी क्या कहलाएगा? ए का। बी सुपरसेट कहलाएगा ए का, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं उसके एलिमेंट्स के साथ साथ। तो सुपरसेट में यही कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए,
तो B जो है वो A का सुपरसेट कहलाएगा, दैट इज B सुपरसेट ऑफ A, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं. एंड रीड एज द सेट B इज सुपरसेट ऑफ A. देखें ये फॉर्म जो लिखी हुई है सबसेट की, सेम वही फॉर्म है, बस B वाली जो साइड है वो पहले आई है और ये जो सबसेट का साइन था अब वो B वाली साइड पे क्या है, ओपन है. इट्स मीन वो सुपरसेट है, वो बड़ा है. ठीक है, ओके. अब देखें इसकी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, यहाँ पर भी ए जो है 1, 2, 3 एक सेट गिवन है और बी वही एग्जाम्पल आपको प्रीवियस वाली नजर आ रही है और इसमें आपको नजर आ रहा है कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में तो हैं लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आपको नजर आ रहे हैं. इट्स मीन ये सुपर सेट है, ये बड़ा सेट है. तो इट कैन बी रिटन एज बी सुपर सेट ऑफ ए. हमने इसी एग्जाम्पल से सुपर सेट को भी एक्सप्लेन कर लिया और इसी से हमने सबसेट को भी एक्सप्लेन कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. अब प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट पहले हम प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, hence set A is called the proper subset of set B. अब ये जो आपने ऊपर से example पढ़ी है set की, sorry subset की, इस subset में से आपने super set भी पढ़ा, अब इसी subset में से आप proper set भी पढ़ोगे और इसी में से आप improper set भी पढ़ोगे. ठीक है, अब proper set क्या होता है देखें, proper set क्या होता है कि अगर आपके पास कोई से दो set हैं, जैसे आपको ये दो set नजर आ रहे हैं, A set है 1, 2, 3 और B है 1, 2, 3, 4. जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ी सबसे पहले सबसेट की, सेम वही एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे भी आ जाती है कि आपके पास सेट ए के तो मतलब कि दोनों में से कोई भी एक सेट ऐसा हो सकता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट में होने चाहिए. ठीक है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में हैं लेकिन बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए जो सेट ए में ना हो. ठीक है ना, यानी सेट ए के किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए. वो एक्स्ट्रा एलिमेंट एक भी हो सकता है और वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना चाहिए, तो वो आपके पास फिर सेट कहलाता है प्रॉपर सेट. मैं दोबारा आपको बता रही हूं, व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो बट लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेट ए में ना हो. ठीक है, यानी सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए तो वो आपके पास कहलाएगा प्रॉपर सेट. ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट, जिसके सारे एलिमेंट उसमें होंगे वो प्रॉपर सेट कहलाएगा. इट कैन बी रिटन एज ए प्रॉपर सेट टू बी. तो इसको लिखते कैसे हैं, ए ये वही आपने प्रॉपर सेट का सिंबल लगाना है जिस तरह आपका सबसेट का साइन था लेकिन सबसेट के नीचे ये आपको लाइन नजर आ रही है, प्रॉपर सेट में बस ये लाइन नहीं आती. ठीक है, ए प्रॉपर सेट बी. ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर सेट का हो गया. अब नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट. अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि आपके पास व्हेन सेट ए consisting of all element of set B, improper set पे, improper set में आपके पास क्या होता है कि जो set A होता है उसके सारे element set B में होते हैं और set B के सारे element set A में होते हैं, मतलब कोई भी extra element नहीं होता, कि आपके पास के दोनों element, दोनों sets जो होते हैं वो equal होते हैं. ठीक है, तो when set A consisting of all element of set B, that is A is equals to B. यानी A के सारे element B में होंगे और B के सारे element A में होंगे. Hence set A is called proper subset of B. तब आपके पास जो set A है वो improper subset of set B कहलाएगा. It is denoted by the symbol और उसको हम ये जो आपका subset वाला symbol आपने पीछे पढ़ा है हम उससे भी represent कर सकते हैं और उसको हम equal से भी represent कर सकते हैं. तो ये example आपको नजर आ रही है, दोनों set में equal number of elements हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे. इट कैन बी रिटन एज ए और ये जो आपने सबसेट वाला सिंबल पढ़ा था वो आप इम्प्रॉपर में भी कर सकते हैं ये सिंबल इस तरीके से, और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आपका एक क्वेश्चन रह गया था अब हम उसको करते हैं. लुक क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका रह गया था जो हमने कल नहीं किया था.
क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, अगर आपके पास ए जो है उसमें ए बी सी सेट है, ए बी सी एलिमेंट्स हैं, बी में बी सी डी है, सी में सी डी ई है एंड डी में ए बी सी डी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो आपके पास फॉल्स है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए प्रॉपर सेट है बी का, मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल है जिसके नीचे लाइन नहीं लगी होती ये प्रॉपर सेट का सिंबल होता है। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि जो आपके पास ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके सारे एलिमेंट इस सेकेंड वाले सेट में होने चाहिए और सेकेंड वाला ये जो सेट है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लाजमी होने चाहिए तो वो प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए ए ये है और बी का सेट ये है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए जो है ये ए सेट है, ये बी ये वाला बी सेट है, तो उसने कहा है सेट ए जो है वो प्रॉपर है सेट बी से, मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब ए जो है हमने कहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, अब ए के जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, वो तो सारे के सारे बी में है ही नहीं, बी में बी सी तो है लेकिन ए तो नहीं है ना, इट्स मीन ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए दो कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली कंडीशन कि जो पहले वाला आपके पास सेट लिखा हुआ है, पहले वाला सेट मीन ये वाला जो सेट सबसे पहले ए सेट, यहाँ पे अगर सी लिखा होगा तो सी के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, जो भी यहाँ पे आपके पास सेट लिखा होगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट यहाँ पर सेट है इसके सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट में होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड हो, और दूसरी कंडीशन के दूसरे वाला ये जो सेट है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लाजमी होने चाहिए, लेकिन इसकी तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है, इट्स मीन ये प्रॉपर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। सेकेंड देखें, बी प्रॉपर सबसेट है डी का, बी ये है बी का सेट और ये है डी का सेट, तो आपने चेक करना है कि ये जो फर्स्ट वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट डी में हो, पहली कंडीशन तो ये, यानी इसके एलिमेंट है बी सी डी, अब बी में देखो बी सी डी मौजूद है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन के ये जो दूसरा सेट है इसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा हो, तो ये देखो बी का जो सेट था वो था बी सी डी, वो तो इसमें था, इसके अलावा यहां पर ए एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इट्स मीन इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इट्स मीन ये क्या है ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट सी सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट है डी का, अब ये सी है और ये डी है, सबसे पहले तो आप चेक करो कि सी के सारे एलिमेंट डी में हो, सी डी ई, अब इसके सारे एलिमेंट तो डी में है ही नहीं, तो इसकी तो पहली कंडीशन ही जो है वो सेटिस्फाइड नहीं, इट्स मीन ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पर फॉल्स आ गया, ए प्रॉपर सबसेट है डी का, ये रहा आपके पास ए, ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए डी में, ए के सारे एलिमेंट डी में होने चाहिए, तो ये देखें ए के सारे एलिमेंट डी में है और डी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है, इट्स मीन ये ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसके बाकी दो क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट आ जाए इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन, अब ये आपने इक्विवेलेंट उसकी वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ये आपने नॉन इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस है वो एस्टेब्लिश्ड नहीं करती, और जब एस्टेब्लिश करती है तो वो इक्विवेलेंट होता है, नहीं करती तो नॉन इक्विवेलेंट होता है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट की बेसिकली डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट, ये आपने वेल डिफाइंड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये उसकी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। The symbol dash means does not belongs to the set. Does not belongs के लिए कौन सा symbol use होता है, ये वाला, ये जो आप E की तरह C की shape बना के उसमें से line निकालते हैं E की तरह, और उसमें आपने ये side पे slant line लगा दी, ये does not belongs, is not members of, ये सारे इसके symbols होते हैं। Dash set is also known as null set. तो null set के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, empty set. Null set के लिए क्या आएगा, empty set. द सिंबल, अब ये वाला जो सिंबल है ये किसके लिए होता है, नॉन इक्विवेलेंट सेट के लिए। अच्छा जी, आगे आपके पास एमसीक्यूज हैं, टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल इक्वल सेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल एम्प्टी सेट के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो जिसको हम फाइव भी बोलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स देन, ए जो है वो सेट ऑफ वोवल्स है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि ए सेट ऑफ वोवल्स होगा। देखें अगर ये देखा जाए तो ये तो है ए डज नॉट बिलोंग टू यू, यू वैसे वोवल तो है और ये सेट ए भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर उसने क्या कहा कि ये बिलोंग नहीं कर रहा,
अगर वो इक्वल है तो इट्स मीन कि वो बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए यू के साथ, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके पास अगर ये फर्स्ट देखो तो ये आई भी आपके पास वोवल है और ए आपके पास सेट ए की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वो कह रहा है कि वो बिलोंग्स नहीं कर रहा, सी तो वोवल है ही नहीं। अब देखो यू वोवल्स है ठीक है और ए सेट ए है, तो ए जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब ये देखो 11 इज नॉन एस, ये सेट है, इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। To represent the equivalent set, we use a symbol. Equivalent के लिए हम ये वाला symbol use करते हैं। If A is equals to 1, 2, 3, A जो है 1, 2, 3 है, B में 0, 1, 2, 3, 4 है। दो सेट दिए हमें तो आपने बताना इनमें से क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इक्वल है, सबसेट है या इक्विवेलेंट है, ये आप खुद जज करोगे ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि A के जो है वो सारे के सारे एलिमेंट B में है, ये देखें 1, 2, 3 इसके सारे एलिमेंट B में है, लेकिन B में दो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, इट्स मीन जो A है वो प्रॉपर सबसेट है B का, तो उसके लिए हमने ये वाले पे टिक मार्क कर दिया ठीक है। ये था आपका आज का काम।